बारे में बताया गया था, जिसमें जिसमें आपको बताया गया था कि बैक्टीरियल कल्चर क्यों हमारे लिए जरूरी है और क्यों हम उसके लिए करते हैं। इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि बैक्टीरियल कल्चर करने के मेथड्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल कल्चर कौन से मेथड से किया जाता है। पहला आपका होगा स्ट्रिपिंग ऑन सरफेस क्लीनिंग मेथड, सेकंड आपका होगा स्प्लिट प्लेट कल्चर, थर्ड आपका होगा फोर्थ प्लेट कल्चर, दूसरा होगा स्टेबल। अब पहले मेथड की अगर बात करें तो स्ट्रिपिंग ऑन सरफेस क्लीनिंग मेथड सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज होने वाला मेथड है, जिसमें एक पैट्रिक डिश होती है, इस पर धूप बनाकर हम बैक्टीरियल कल्चर को करते हैं और उसका एक प्रोसीजर उस धूप में हम उसको बैक्टीरियल कल्चर देखते हैं। सेकंड जो आपका स्प्लिट प्लेट आउटडोर कल्चर है, ये मेथड भी बहुत ही सही मेथड है, लेकिन इसके लिए आप सिंगल कॉलोनी, तो कल आपको बताया था कॉलोनी, तो बस सिंगल कॉलोनी में इस मेथड को यूज करते हैं, सिंगल कॉलोनी बैक्टीरियल रिस्पॉन्स को देखते हैं। आपका थर्ड जो आपका है, तो थर्ड आपका जो है वर्क प्लेट मेथड, ये आपका जो मेथड है सिंगल कॉलोनी की जिस मैंने बताया काम करते हैं, इसमें इस मेथड में आप कॉलोनी काउंट करते हैं, कॉलोनी को काउंट करकर हम ये बताते हैं कि जो 1 ml सैंपल है, 1 ml स्पेसिमेन है, उसमें आपके कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। और ये जो मेथड है खासकर यूरिन का जब कल्चर हम करते हैं तब यूज करते हैं, यूरिन कल्चर, ठीक है। और ये आपका था स्टेप कल्चर। स्टेप कल्चर एक बैक्टीरियल मेथड, बैक्टीरियल कल्चर के लिए यूज होने वाला मेथड है। इन बैक्टीरियल कल्चर में हमने स्टॉप कल्चर को पहले पढ़ा था, स्टॉप कल्चर करते हैं स्टॉप कल्चर, तो उसके लिए हम स्टेप कल्चर का यूज करते हैं। ये आपके थे जिनको हम बैक्टीरियल कल्चर में यूज करते हैं मेथड्स। इसके अलावा आपके बैक्टीरियल कल्चर में और भी मेथड रहते हैं, जैसे एरोबिक और एनारोबिक कल्चर, जो आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके चार कल्चर हो गए। सबसे मेन आपका ये मेथड रहता है, सेकंड आपका सिंगल कॉलोनी के लिए इसमें कॉलोनी काम करते हैं, स्टॉक कल्चर में यूज होता है, इसमें बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन की जाती है, यूरिन की होने वाला मेथड है। तो ये आपके मेथड होगा, आप भी अपनी बुक से देख सकते हैं इसका क्या प्रोसेसिंग क्या है, उसमें समझ सकते हैं। ये मेथड जो है बैक्टीरियल कल्चर के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी आप तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको नया टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।